गुड मॉर्निंग एंड हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत डन टन। और यहाँ मैं ना अभी आपको एक रात की क्लिप दिखाती हूँ जो कि बहुत मज़ेदार है। और आज हमने कनिका को खिलाया है थोड़ा सा दाल एंड चावल और कुछ क्राफ्ट भी किए हैं, तो अपडेट मैंने दे दिया है, आप लोग जाके शॉर्ट्स में देख लेना। मैंने वहाँ की ये टिश्यू पेपर जो डब्बा डब्बा लाते थे ना पापा, वो सबसे इकट्ठा करके बनाया। इसके साथ ही अनमोल ने अपने पापा की कौन सी आदत ऐसी पकड़ी, और उस आदत के लिए ना हमारी जब नई नई शादी हुई थी ना तो इतनी लड़ाई होती थी, वो मैं इस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, अनमोल की वो आदत भी बताऊंगी, और उसके साथ ही अपनी नई नई शादी के टाइम वाली हम मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई जो होती थी ना वो भी मैं आपको बताऊंगी। और वो मतलब मेरे मायके से लेके मेरे ससुराल तक वालों को उस बारे में पता चल जाता था जब भी वो तहलका शुरू होता था, और अब मतलब अनमोल ने उस काम को करना स्टार्ट कर दिया, इस वीडियो में दिखाऊंगी। और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब होता है उस हैबिट से जो डीजे सर की थी, और पता नहीं कैसे अनमोल ने भी स्टार्ट कर दिया है करना, सब मैं इसमें बताऊंगी आपको। अब आप बताना ये अच्छी आदत है या फिर कुछ गड़बड़ी है इसमें। यहाँ मैं अपनी वीडियो बना रही थी, मैंने गलती से ना यहाँ पर सब मेरा स्कर्ट स्कर्ट सब पड़ा हुआ था, मैंने साइड किया और फिर मैं बनाई, फिर मैं देख रहा था मेरा मुंह तो आया ही नहीं। और ये मैंने यहाँ पर स्टॉल हैक शेयर कर रही थी, अगर आपको भी ऐसे करना हो ना तो आप जाकर शॉर्ट्स देख लेना, अगर आपको ऐसे आता हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है ना तो जाकर शॉर्ट्स बहुत ज़रूर मतलब ज़रूर देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, बहुत प्यारा लगता है ऐसे तेब पहन के। चलो तो यहाँ नाइट वाला रिकॉर्डिंग ऐड कर देती हूँ जो मेरी और कनिका की है। तो ये रात में कंपटीशन हुआ हमारे बीच है ना, कम ऑन कनिका बेबी कम ऑन, ये रात की 2 बजे कंपटीशन, कम ऑन बताओ कौन सा गाना गा रही हूँ मैं, आप लोग कमेंट करके बताओ है ना, कनिका कौन सा गाना गा रही है और मैं कौन सा गाना गा रही हूँ। कनिका पकड़ ले रही है, तुम पे मरते हैं हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं हम कर जाएंगे, चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा, आ, 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 तो बस कंपटीशन का यहीं पे समापन करते हैं, आप लोग बताना कौन जीता हम दोनों में से है ना लड्डू। हो गई तो यहाँ मैं अपने शूट वूट करने के बाद सारी चीज़ें फोल्ड कर रही हूँ, और कल रात पता है अनमोल अचानक से आके हॉल में लेट गया, बोला पेट दर्द हो रहा है, तो मैंने क्या किया ना मैं दवाई निकाल के ले गई, तो दौड़ के भागा, मैं समझ गई कि अगर पेट में सच में दर्द होगा तो ये दवाई खा लेगा वरना ये भाग जाएगा, मैं भी माँ हूँ पकड़ लिया मैंने, तो भाग गया तो मैं समझ गई। फिर मैंने कहा कैसे ठीक होगा, फिर रूम में जाके बोल रहा है पेट तो दर्द कर रहा है कैसे ठीक होगा, तो बोलता है अंडा खाने से। तो आज हुआ कि चलो आज मम्मी ने कहा था कि अंडा मंगा देंगे, बट शाम में क्या हुआ क्यों नहीं आ पाया वो ना इस वीडियो में दिखाएंगे हम, और थोड़ी बहुत मेरी और मम्मी की गपशप भी हैं जो कि मैंने यहाँ इस वीडियो में ऐड किया है, मतलब अभी आगे चल के आपको वीडियो में देखने को, किचन का पूरा वीडियो एज इट इज साउंड में है तो आप लोग देख लेना। और मैं ये खा रही थी सुबह सुबह चाय एंड बिस्किट, और बहुत दिनों बाद मैं अभी आराम से बैठ के चाय बिस्किट खा रही हूँ क्योंकि कनिका जो है ना खेलने में लगे, वरना मैं गोदी में बैठ जाती है फिर मैं ना बिस्किट चाय इन्जॉय नहीं कर पाती, फिर मैं चुपचाप सिंपल चाय पी लेती हूँ। और मेरे सर में इतना दर्द है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और मैं ऐसे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर मैं नाखून काट रही थी कनिका की, और तबीयत अच्छा हो ठीक हो ख़राब हो बस काम तो ना मतलब लगा ही रहता है, और कभी भी ये नहीं होता है कि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो चलो रेस्ट करने को मिल जाए, मतलब
बच्चे होने के बाद ना यही होता है, और हम लोग सभी की सभी का यही हाल है, मेरा कोई अकेले का नहीं है ये तो मैं भी जानती हूँ। बट पता नहीं आपके क्या हाल चाल है, आप भी बता देना हमें कमेंट करके। और इसके बाद मैं क्या करूँगी सब आपको ब्लॉग में दिखाने का, कैसे रिएक्शन दे रही है, बिल्कुल कटवाना ही नहीं चाहती है नाखून, जबकि ये वाला नेल कटर ना भले ही बड़े साइज का है लेकिन इतना सॉफ्टली इतना आराम से कट जाता है ना, मतलब बिल्कुल बेबी वाले नेल कटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वरना मैं मंगाने वाली थी। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाखून है ना तुम्हारा, नाखून काट दे लियो तुम्हारा, अरे बाप रे। दूसरा हाथ दे, उधर बता दो क्या हो रहा है, तुम्हारा नाखून काटा जा रहा है। ओले बाप रे, देखो कितने बड़े नाखून है, देखो ओले बाप, ओले बाप रे, ओले बाप रे, ओले बाप रे, तो हो गए कुछ थंबनेल के लिए हमारे रिएक्शन। इसके बाद मुझे जाना है ससुर जी के साथ थोड़ी सी शॉपिंग करने, कनिका के ही कुछ चीज़ें हैं और क्या क्या लेंगे सब आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में। यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया और क्या हुआ ना, दूध चढ़ा के मैं इधर आई और रेडी होकर के निकल गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने दूध चढ़ा रखा है। उसके बाद आपको व्लॉग में मेरी सासू माँ से कुछ डिस्कशन हुई वो भी सुनने को मिलेगा, और उस वक्त तो आपको पता चल जाएगा दूध का क्या हुआ। यहाँ देख रहे लड्डू ताली बजाने की कोशिश कर रही है, मतलब धीरे धीरे चीज़ें कैच करने की कोशिश एंड सीखना एंड ऑल ये सब इसका वो चलता रहता है हमेशा कुछ न कुछ। तो मैं हो जाती हूँ रेडी, और पापा को भी बोल दिया है रेडी होने के लिए, और मैं रेडी होकर के बाहर आ गई थी, वेट कर रही थी। तो मुझे लेने जाना पापा को ना, यहाँ का आपने शॉर्ट्स आई थिंक देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है ना तो आप लोग जाकर जरूर देखना। और ये क्या मैंने किया, दुपट्टा लगा दिया था, तो क्या क्या लिया वो सब आपको ना वहाँ देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास के बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और इसके साथ ही मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है, गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि हालत ख़राब है। और यहाँ वहाँ सामने गमले के पास बिल्ली भी अभी लेटी हुई है, तो मैं उधर नहीं जा रही थी क्योंकि आपको बताया था ना मैंने, वहाँ पर उसको एसी का ठंडक मिलता है और आके लेट जाती है। बस अब जाते हैं, तो हमें लेना है मार्केट से कनिका के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, जो कि लाने के बाद मैं आपको पहना करके भी दिखलाऊंगी। और उसके साथ ही कनिका बच्चों के ही मतलब नहाने का साबुन और डायपर, मतलब जो भी चीज़ें थी ना बच्चों से रिलेटेड ही चीज़ें उनका, और जब भी मतलब बच्चों की चीज़ें होती है ना तो मुझे जाना ही पड़ता है, क्योंकि ना ये या तो डीजे सर को आइडिया रहता था इन चीज़ों का, ये मैं कैमरा में देख के बंद करी थी वही नहीं रहता, और या तो फिर मुझे अब ध्यान देना पड़ता है क्या चीज़ कैसे लेना है, क्योंकि ना बच्चों की चीज़ें पापा थोड़े सा ना नहीं समझ पाते, तो इसी वजह से मुझे भी जाना पड़ता है। बाकी
मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो जो मुझे लेना था ना क्राफ्ट के लिए, वो सब ना इधर ये वाले मॉल में नहीं मिलता है। वो पता है डीजे सर के साथ छोटे 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 दुकान ढूंढ ढूंढ के यहाँ वहाँ से इकट्ठे करके लाती थी, तो वो सब ना थोड़ा टफ पड़ जाता है। और आप लोग के लिए मैंने क्राफ्ट की चीज़ें मतलब जो थोड़ी बहुत उनसे वीडियोज़ भी बनाती हूँ, बड़ा जुगाड़ लगा लगा के बनाती हूँ। तो आप लोग जाकर ना हमारे क्राफ्ट वाली वीडियोज़ पर ढेर सारा भर भर के प्यार एंड सपोर्ट देना। बहुत दिमाग लगाने के बाद, बहुत चीज़ ढूंढने के बाद अभी बना रही हूँ, और डीजे सर आएंगे ना तो मैं सारा सामान लेके आऊँगी। अब डीजे सर आएंगे नहीं आएंगे इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपकी बात क्यों नहीं हो रही है, सब कुछ है। तो मैं ना इस व्लॉग में आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगी, पहले शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं पहुंच गई यहाँ पे, एंटर हुई, और इसके साथ ही ना मैं पापा को बता रही थी, पापा इधर से अंदर चलना, उधर से अंदर चलना। पापा बोले कि मेरा ऑफिस यहीं पर पास में है और मैं हमेशा यहाँ से जाता रहता हूँ। तो ये मैंने कनिका के लिए कुछ कपड़े पसंद किए, इसमें से क्या क्या लिया सब आपको दिखाएंगे। और गर्मी के लिए ले रही थी, अब पता नहीं पापा से फिर साइज़ वाइज मैंने पापा से ही आइडिया लगाया, क्योंकि ना मैं डीजे ले सर लाते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते थे कपड़े, तो फिर इस वजह से ना पापा को ही इस बार लेने थे। पापा कपड़े की चॉइस तो अच्छी करते हैं। अब आप लोग बताना कि कनिका पहन के कैसी लग रही है इन कपड़ों में, ठीक है? अभी मैं पहनाऊँगी घर जाते ही सबसे पहले। और फिर उसके बाद पापा कह रहे थे कि अनमोल के लिए भी ले लेते हैं, बट अनमोल के लिए कपड़े सच में इतने इकट्ठे हो रखे हैं ना कि मैं तो सोचती हूँ पहले वो उसी का संधान करे जो इकट्ठा हो रखा है, और बाद में लेते रहेंगे। ठंड गर्मी के लिए थोड़ा सा कनिका का वो हो जाता है, क्योंकि ना हल्के हल्के कपड़े चाहिए और मोस्टली ठंडी के कपड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि रांची का मौसम ना बहुत ठंडा था, तो हम लोग फुल फुल कपड़े ही लिए हैं ज़्यादातर। बट राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है ना कि मेरी डेली ही हालत ख़राब रह रही है गर्मी से, और अनमोल की भी वही हाल है। तो इस वजह से ना कनिका के लिए हमने सोचा कि हल्के हल्के कपड़े बिल्कुल ले लेते हैं, जिससे कि कनिका बिल्कुल आराम से मज़े में रहेगी। तो यहाँ से फिर हम लोग आ गए थे, आए तो थे सिर्फ साबुन और डायपर लेने, बट फिर मम्मी आते वक्त बोली थी कि ले लेना कनिका के लिए भी कुछ सूती कपड़े, तो फिर हम लोग वो भी देखने लगे। और फिर बहुत सिलेक्ट करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद हमें दो कलर पसंद आए कपड़ों के, तो फिर उससे पैंट मैच करना बड़ा टफ था। ये वही हम पैंट ही मैच कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से जाकर फिर हमने दो पैंट लिया। और बिल्कुल एक तो ना पिंक कलर का था ना, तो पिंक पैंट तो है लेकिन ना सब बहुत छोटे साइज के हैं, नहीं सही है कनिका के लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर हमने रेड से मैच करा है, और पहना कर दिखाऊंगी तो आप बताना कि कैसा लग रहा है। और कुछ यहाँ के जो कनिका के गेट रेडी विद मी शूट करूँगी ना, तो कुछ यहाँ से मैं ना शॉर्ट्स में बनाऊँ ऐड करके, और कल अपलोड करूँगी, ठीक है? तो आप लोग वहाँ ज़रूर देख लेना। और मेरी आवाज़ अगर थोड़ी फीकी लग रही हो मेरी बातें तो माफ़ करना, मेरे ना सर में सच में बहुत दर्द है, और मैं ऐसी वॉइस ओवर करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा ना व्लॉग नहीं जाए टाइम पे, और आप सभी मेरा इंतज़ार करते रह जाओ। तो बस इसी वजह से मैं ना जैसे तैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, और कई जगह तो मैं आँख बंद कर ले रही हूँ ऐसे कर रही हूँ। और तो यहाँ पे हमने कर लिया सिलेक्ट, अब निकलते हैं इस सेक्शन से, बहुत हो गया कपड़े वपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे करके, बच्चों के कपड़े ना बड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो जो ले लिया ऐसे कोई संधान करे। पहले पापा और देख रहे थे, फिर हमने कहा कि चलो नेक्स्ट टाइम पापा लेते चलेंगे, अभी चलते हैं यहाँ से। फिर हमने साबुन वाबुन सब चीज़ें ढूंढ कर ले ली, जो भी बच्चों की चीज़ें कम पड़ी हुई थी सब ले लिया हमने, और अब हम चलते हैं घर। और मेरा चेहरा आपको देखने से पता चल रहा होगा थोड़ा सा उतरा हुआ सा है, क्योंकि मेरे तबीयत थोड़ी सी अंदर अंदर से ठीक नहीं लग रही है। और इसके साथ ही जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं डीजे सर से क्यों नहीं बात होती है आपकी, आप कभी मतलब पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग लगाते थे वीडियो, आजकल नहीं, तो हाँ मेरी डीजे सर से ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, और उनको भी टाइम चाहिए था, बच्चों से फ्रीडम चाहिए थी ताकि वो अपना कुछ काम कर सके, तो मैंने बिल्कुल फ्री ही छोड़ दिया है ताकि वो अपने काम में लगे रहें, और फिर उसके बाद देखेंगे 2-3 महीने बाद पूछेंगे कि अब कितना कुछ कर लिए तुम और कितना कुछ अचीव कर लिए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा ज़रा सा भी समय बर्बाद हो, बहुत समय बर्बाद होना तो हो चुका है। और ये पहुँच गए हम लोग घर, और इसके साथ ही हो गई हमारी शॉपिंग थोड़ी बहुत जो भी बच्चों वाली थी, और चलते हैं अंदर, और इसके बाद आपको दिखाएंगे हम हमारे किचन के सारे क्लिप्स ना, मैं एज इट इज़ साउंड में रहने दे रही हूँ, और वहाँ की ही बातों से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और नॉनवेज के लिए वो अंडा के लिए था, तो अंडा नहीं मिल पाया क्योंकि ना दो जगह स्टॉल है, दोनों जगह बंद थे। और ये देखो कनिका को हमने नया वाला कपड़ा भी पहना दिया, और कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये क्रॉप टॉप टाइप का है क्या? आई थिंक नहीं, क्रॉप टॉप नहीं, पता नहीं किस टाइप का है, फ्रॉक तो नहीं है ये, मुझे भी जहाँ तक लग रहा है। आप लोग बताना ये किस टाइप का कपड़ा है। हो, 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 हो,
अरे गर्मी लगे चल। लेकिन इतना तो काफी है। ना तो अंडा में ही खाता है, तो उनको अंडा हम हमेशा थोड़ी मंगाते हैं। क्या करे, अंडा वही खाता है। हम उनसे मंगाते थे तो मछली चिकन अपने पसंद से बना के बना के खाना, अंडा इसी के लिए मंगाते। अच्छी तो हमारा लीवर मायने किसी को तो खा दियो गया। और बाबू वो 250 पे तो कह रहे काते ना देते और दे रहे हो, तो तू ही जाने काम ना दे रहे। हम सब पीस दे रहे थे। नहीं नहीं, तीन पीस था। हां तीन पीस था वो। हां तो बड़ा बड़ा पीस था, एक छोटा सा पीस था, तीन पीस। और 250 की रेडीमेड तो आपको महंगा पड़ गया। 250 का वहां लेते थे तो एक किलो देता था। 250 हाँ, बना बनाया वाला यहाँ बहुत महंगा है। 250 का तो एक किलो मंगा ले तो 250 से ज्यादा लोग फिर किलो ना आती है वहाँ, पटना उठना में आता है 250। मटन चिकन तो सस्ता रहता है। जब चूल्हा ले लो तो कहीं का तो लाइट वाला भी चूल्हा ले ले तो कहीं मैंने लोबियों में धो के बन जाना भी सस्ता तो है, क्योंकि चरणों में मिल जाती है। मेरा अनमोल परेशान कर देगा, नहीं बनाने देगा। अगर सीढ़ी पे भी बनाएंगे तो चढ़ जाएगा, सीढ़ी पर नीचे बनाएंगे तो जल जुला जाएगा, तो इसलिए कहे कुछ हो। मैं छोटा बच्चा है ना, थोड़ा सा डर है बनाने का। सीधी उधर से गिर जाएगा ना, सीधी पकड़ना जला जुला लेगा। देखते नहीं, इस चूल्हा पे तो पहुंच जाता है। क्या है देखिएगा, उसके साथ ना चलाने का नहीं भर दिए हैं। हाँ हाँ कूलर भर दिए हैं। ओवर आई लगे ना देखने। हाँ उसी में ताए थे। क्या है? कुछ नहीं था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये को सोले था नहीं, ये को धारा था नहीं। कुछ नहीं। पतक दिया मैंने। पतक दिया। मैंने ये भी पतक दिया, तुमको मार दिया मैंने। माता पर क्यों? तुमको मार दिया बाज। अभी भी मार। ध्यान से गया। दो बोल के तीन था। काम करने देगा कि नहीं देगा? दो गया चिंता। चोट लग गया तुमको। अब हमारे में है ही नहीं। ये हमारे में है ही नहीं। देखो सारा आलू फेंक रहा है ये लड़का। आलू इतिहास फेंक रहा है। देखो अभी फसल भी है, फसल भी है। अनमोल मत करो ऐसे। फसल है, कचरा का हमारे। चिल्लाने का आवाज आ रहा है। लड़के का यही काम कर रहा है ये। सुन ले, नहीं करूंगा मैं। सब लोग बोल रहे हैं अनमोल बहुत बदमाशी करता है, बताओ क्या बोले अब। हाँ ये किया छोटा बोल था, ये किया चीता बोल, ये किया पोता बोल। रोशना रोशन का तो नाम सुन के आज अच्छा रोशन ने बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगा। रोशन सबसे मेन चीज घर में अभी है ही नहीं। ये देखो ये तो आलू, तुम तो मन निकालो। कोई
अपने तो बंद करो, अपने बंद कर तो अपने काम करो, बस काम वही है भैया। जम 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 सब लोग पूछ रहे थे आपके देवर कैमरा से क्यों छुप जाते हैं। फिर एक था सवाल, बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग हम क्या वो फोटो नहीं खिंचाते इसलिए कैमरे से भी छुप जाते हैं। मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। सुनो सुनो मेरे साथ नहीं जाना है, नहीं नहीं जाना है, नहीं जाना है, मैं नहीं रखूंगी। हटो समझा लिया का सब इतर के दो सब लिया के दो मेरे को हमको लगा था कि ना खोल जाएगा बंद करते हुए निकल जाएगा लेकिन निकल गए उधर से उधर अनमोल के चक्कर में उधर से उधर तो आए थे लेकिन ध्यान ही नहीं रहा। वो तो आते वक्त रास्ते में ध्यान आया कि हाँ तो हमको ना आते वक्त रास्ते में ध्यान आया कि दूध चढ़ा के आया तो अच्छा वो जाते वक्त नहीं ध्यान है नहीं तो फिर हम वापस लेके जाते ऐसे फोन करवाते रुकते आते वक्त ध्यान आया जब यहाँ पहुँच गए हम इसीलिए पता है कभी भी चढ़ाते ना तो एकदम धीमी आज पे कभी भूल भी गए ना तो जलेगा नहीं भले थोड़ा कम हो जाए। छोड़ो छोड़ो मत हटाओ मत हटाओ अब जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारा प्याज हटाएगा। आ गए रोशन जा 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 गेट के अंदर आ जाते अब तो रोशन चाचा आ गए अनमोल जा 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 तुम्हारे जा 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 देख ले इसका बदमाशी देखिए सब कटल का प्याज क्या किया है जा 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 सब छीट दिया भाग गया क्या किया है कहाँ किया है छीट किया है अब जैसे जैसे लगाने के बाद उसका जल्दी जल्दी सब प्याज भरना पड़ा
तो हो गया किचन के डिस्कशन से आपको सारे कुछ समझ में आ गए होंगे। और जो चीज़ नहीं समझ में आया तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारी डिस्कशन हो रही थी, मम्मी ने कहा कि बना चूल्हा ले लिए रहते, वो बोले थे चूल्हा लेने का तो सीढ़ी पे बना लेते या हॉल में कहीं भी बना लेते, बट अनमोल से थोड़ा सा डर है क्योंकि अनमोल छू चबा देगा, तो इस वजह से मैंने चूल्हा नहीं लिया है। और मेरा प्लान अब किसी के किचन में अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें बनाना, वो भी मतलब वैसे भी मना ही है किचन में बनाने से, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना ही है। और पहले तो चलो स्टार्टिंग में ना तो हमें तो घर में भी लाने से मना ही था, लेकिन अब तो अनमोल की वजह से अंडा घर में आ जाता है, तो हमने सोचा कि अभी मैंने सोचा कि अभी ऐसे ही चलने देते हैं, कभी आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। और फिर आगे चल के हमारी फाइनेंशियली हम थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ी सी लाइक चीज़ें हो जाएंगी ना, तो फिर हम देखेंगे तो जुगाड़ करेंगे इसका कुछ किचन एंड ऑल एंड घर और जो भी है देखेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। और यहाँ पे अनमोल की शरारतें देख रहे हो, इधर से उधर, कभी आटे की बोरी पे बैठ जा रहा है, कभी बर्तन गिरा दे रहा है, कभी प्याज छीट बिक कर दे रहा है, और घर में एक ही इंसान से डरता है तो वो है तो उसके रोशन चाचू। और इसके साथ ही हो गया हमारे किचन का काम भी, और रोटी सेक दिया मैंने, और वही मैं कह रही थी मैं तो कुछ भी से खा लूँगी, तो मैं आज बनाए प्याज का भुजिया और रोटी मैंने बना ही दिया। अभी आपको हमारे पतिदेव की वो हैबिट भी बताएंगे जिसकी वजह से नई नई जब शादी हुई थी तो हमारी बीच अनबन हो जाता था, तो वो भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। बस बने रहे हमारे साथ इस व्लॉग में, और इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट काम करके, फिर बताते हैं आपको। तो ये मैं लगा रही हूँ कनिका के लिए खाना, रोटी वोटी बना लिया, अब जाती हूँ कनिका के काम कर देती हूँ, जैसे कि उसको मालिश करना है, उसको खिलाना है, और उसके साथ ही आपको वो हैबिट भी बताती हूँ। और फ़ोन थोड़ा सा चार्ज में लगा दिया था मैंने, और ये प्याज की सब्ज़ी बनी है एंड रोटी, सब्ज़ी ने मतलब ऐसे ही फ्राई करके इसमें हल्दी नमक वगैरह नहीं, स्वाद अनुसार मिर्ची विर्ची सब डाल के बनाए हुए। और आदत ये है पंखा बंद करने की, मतलब कि स्टार्टिंग में डीजे सुनना, मतलब हमेशा फ़ैन ऑफ़ कर देते, इतनी गर्मी होती थी तो मैं ना पापा को मतलब ससुर जी को बता देती थी, सासू माँ से बता देती थी कि ये बहुत गलत आदत है, और ना मेरे और डीजे में इतनी लड़ाई होती थी पंखे को लेकर, मतलब पंखा वो चाहते थे कि नहीं चलना चाहिए, तो हमेशा उनका क्या था ना ये कहना कि एसी में होना चाहिए, तो हमने कहा एसी लगाने की फिर हैसियत भी तो होनी चाहिए, है ना।